हाँ भी सेकेंड ईयर। तो यहाँ बात रही आपके हिस्टोलॉजिकल स्ट्रक्चर के बारे में, ठीक है। अब हम बात करने वाले हैं ब्लड सर्कुलेशन की, मतलब रक्त परिसंचरण के बारे में। देख लो जरा, सही किया है ना मैंने, ये इनेबल वगैरह सब चीज सही कर दी।
हाँ भाई, जरा ध्यान दीजिएगा सेकंड ईयर, यहाँ पर हम बात कर रहे हैं ब्लड सर्कुलेशन के बारे में, मतलब रक्त परिसंचरण के बारे में। ठीक है, तो इसमें क्या है, तीन लॉन्गिट्यूडिनल चैनल जो दिखाए गए हैं वो ये रहे। देखें, दो है आपके पार्श्व में, मतलब ये है लेटरल लॉन्गिट्यूडिनल चैनल, बीच में जो है दिस इज द मीडियन लॉन्गिट्यूडिनल चैनल। ठीक है, इसके बारे में तो आप लोग पहले से ही अब रट गए होंगे आप लोगों के। ठीक है, मीडियन एंड दो है इसके लेटरल। अब होता क्या है, जरा ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर मैंने दो चैनल बनाए हैं, मतलब दो डक्ट निकाली है यहाँ पर। एक है आपकी एफरेंट ब्रैंकियल चैनल, ये एफरेंट ब्रैंकियल चैनल, ये देख रहे हैं ये वाली, दिस इज अ एफरेंट, एफरेंट ए से स्पेलिंग स्टार्ट हो रही है, एफरेंट ब्रैंकियल चैनल। इसमें जो है हमेशा अशुद्ध रक्त बहता है। कैसा बहता है, अशुद्ध रक्त बहता है। अशुद्ध रक्त से मतलब है जिसमें ऑक्सीजन ना हो। ठीक है, ऑक्सीजन की भी अगर हम लोग बात करें तो इसमें कैसा होगा, डी ऑक्सीजनेटेड। ठीक है, तो आपका एफरेंट ब्रैंकियल चैनल में, ओ इसमें कौन क्या चीज उपस्थित है, एफरेंट ब्रैंकियल चैनल में होता है हमेशा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, मतलब इसमें कैसा होगा, अशुद्ध रक्त बहेगा। अब ये अशुद्ध रक्त जो है, ध्यान दीजिएगा, ये अशुद्ध रक्त इनमें से होता हुआ इस तरह ऊपर की तरफ जाएगा। ठीक, और ऊपर जाने के बाद ये जो मार्जिनल चैनल आप लोगों को दिख रहे हैं, ये दोनों क्या है, मार्जिनल चैनल। ठीक है, मार्जिनल चैनल से मतलब होता है जो जो गिल प्लेट्स अभी बनाई थी थोड़ी देर पहले, उन गिल प्लेट्स में ये ट्रांसवर्स निकले रहते हैं लाइक दिस। ठीक है, तो इसमें मार्जिनल चैनल्स जो है, ये ब्लड फिर किसमें जाता है, मार्जिनल चैनल्स में, इस तरह से जाएगा ये ब्लड। ठीक है, ये ब्लड मार्जिनल चैनल में जैसे ही जाता है, ये मार्जिनल चैनल के उसमें किसके संपर्क में आता है, यहाँ पर ये आ जाता है जल के संपर्क में। ठीक है, जल के संपर्क से मतलब है इसमें से अब क्या होगा, यहाँ पर अभी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड था, अशुद्ध रक्त था। ठीक है ना, तो क्या होगा, ये इस पानी में से, जल में से ऑक्सीजन तो ले लेंगे। ठीक, मार्जिनल चैनल की बात कर रहे हैं हम यहाँ पर। ठीक है, क्या करेगा ये मार्जिनल चैनल, इसमें से ऑक्सीजन तो ले लेगा और साथ में पानी में ही कार्बन डाइऑक्साइड वो विसरित कर देगा। क्या कर देगा, विसरित कर देगा। अब ये पानी में से ऑक्सीजन का लेना और कार्बन डाइऑक्साइड का रिलीज करना, ठीक है, ये दोनों ही जो काम होते हैं पानी में, ये होते हैं हमेशा विसरण विधि की वजह से। किससे होते हैं, विसरण विधि से होते हैं। विसरण विधि समझते हैं आप सभी लोग, है ना, डिफ्यूजन मेथड जिसे हम बोलते हैं इंग्लिश में। और डिफ्यूजन मेथड में क्या रहता है, जहां पर ज्यादा सांद्रता से, डिफ्यूजन मेथड का बता रहे हैं, ये आपको सभी में देखने को मिलेगा डिफ्यूजन मेथड, ज्यादा सांद्रता से ये हमेशा कहाँ जाते हैं, कम सांद्रता की ओर। अब समझिएगा कैसे, विसरण विधि से बताया था ये, है ना, विसरण विधि से क्या होता है, ये जल में से ऑक्सीजन लेंगे, कार्बन डाइऑक्साइड इसमें रिलीज करेंगे। अब सोचिए जरा, अगर यहाँ गिल्स है, ये तो गिल ही तो बनाया है मैंने, ठीक है, ये गिल्स में से जैसे ही पानी जो है वो इनके ऊपर से जैसे ही जाएगा, गिल्स में जैसे ही एंट्री करता है वो पानी, तो पानी में है क्या, ऑक्सीजन लेवल यहाँ पर ज्यादा है अभी। ठीक है, पानी में ऑक्सीजन लेवल ज्यादा है एज कंपेयर टू दिस ब्लड, क्योंकि ये वाला ब्लड कैसा था आपका, अशुद्ध था। अशुद्ध रक्त मतलब इसमें से ऑक्सीजन पहले ही यूज कर ली गई थी इनके द्वारा, जो कोशिकाएं होती है, कोशिकाएं तभी तो जाता है ये एफरेंट ब्रैंकियल चैनल से, है ना, तो कोशिकाओं ने क्या किया, ऑक्सीजन ले ली थी, कार्बन डाइऑक्साइड ब्लड में छोड़ी थी। ठीक है, जिसकी बदौलत ये ब्लड जो था वो अशुद्ध हो चुका था। ठीक है, अब ये अशुद्ध रक्त जो है उसमें ऑक्सीजन की मात्रा कम है। ठीक,
ऑक्सीजन की मात्रा अभी ब्लड में कम है और बाहर ये जो पानी आया था उसमें ऑक्सीजन की मात्रा कैसी है, ज्यादा है, तो विसरण विधि से क्या होगा, ज्यादा से कम की तरफ ये रन करेगा। ठीक है, ज्यादा ऑक्सीजन से कम, तो ज्यादा कहाँ था, यहाँ बाहर की तरफ जो पानी बह रहा है उसमें ज्यादा है ऑक्सीजन, यहाँ पर कम ऑक्सीजन है, राइट। तो ये जो ऑक्सीजन है वो कहाँ चली जाएगी, अंदर चली जाएगी, ज्यादा से कम की ओर ये गति कर गई। वहीं जब हम बात करें कार्बन डाइऑक्साइड की, तो जो प्रोसेस इसमें हुई थी, तात्पर्य जो प्रक्रिया आपने इसमें की थी, वही प्रक्रिया फिर कार्बन डाइऑक्साइड में देखने को मिलेगी। मतलब समझिएगा क्लास, इसमें क्या होता है फिर, अब यहाँ क्या किया था, यहाँ पर इसने ऑक्सीजन ले रखी है, कार्बन डाइऑक्साइड यहाँ पर ज्यादा है, इस पानी में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा कम है, इन दोनों में अगर आप तुलना करें, कंपेरिजन करें, तो यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा ज्यादा है अशुद्ध रक्त में, जबकि यहाँ पर कम है। तो हमारा विसरण विधि क्या कहती है, ज्यादा सांद्रता से कम सांद्रता की ओर। ठीक है, तो बस ज्यादा सांद्रता से कम सांद्रता की ओर कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो बाहर निकल जाएगी। ठीक, अब समझिएगा इसके आगे की विधि, यहाँ पर क्या हुआ, यहाँ पर हो गया है अब आपका रक्त शुद्ध, शुद्ध मतलब अब हो चुका है इसमें ऑक्सीजन प्रवेश, यही तो हुआ ना, ऑक्सीजन प्रवेश कर गया यहाँ पर, पहले यहाँ पर अशुद्ध रक्त था आपका, अशुद्ध रक्त बह रहा था, तो यहाँ पर हो चुका है आपका शुद्ध रक्त, मतलब अब इसमें ऑक्सीजन मिल चुकी है। ठीक, ये ऑक्सीजन जैसे फिर आगे बढ़ेगा, रक्त ऑक्सीजनेटेड ब्लड होगा, ये शुद्ध रक्त ऑक्सीजनेटेड ब्लड, ये जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड है फिर ये जाता है मीडियन, ये कौन सी है, लॉन्गिट्यूडिनल चैनल, ये है आपका मीडियन लॉन्गिट्यूडिनल चैनल। तो ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड, तात्पर्य शुद्ध रक्त, ये जाता है फिर मीडियन लॉन्गिट्यूडिनल चैनल में, और फिर ये कहाँ जाएगा, इफ्रेंट ब्रैंकियल चैनल में। यहाँ पे दो बनाए थे, एफ्रेंट एंड इफ्रेंट, दो है चैनल, एफ्रेंट एंड इफ्रेंट, ई से स्पेलिंग स्टार्ट हो रही है। तो ये शुद्ध रक्त जो है वो कहां पर बह रहा है आपका, मीडियन में। ठीक है, मीडियन लॉन्गिट्यूडिनल चैनल में शुद्ध रक्त बह रहा है अब, ये शुद्ध रक्त अब इस इफ्रेंट ब्रैंकियल चैम्बर से होता हुआ बाहर निकल जाएगा और कहाँ पहुंचेगा, फिर से अन्य भागों में, और वहां पर उन भागों के कोशिकाओं तक ऑक्सीजन का ये परिवहन करेगा ब्लड का। समझ में आ रहा है, सेकेंड ईयर, रिपीट करना है बताइए। क्लियर है बेटा? यस मैम, गुड। तो चलें फिर, किसी को रिपीट नहीं करवाना, सेकेंड ईयर सबको क्लियर है ना मैम? ये चैनल क्या होते हैं ये पूछेंगे आप शायद, हाँ सौरभ बेटा, चैनल्स जो हैं वो आप वाहिकाओं से लें, डक्ट समझते हैं आप, सेम होते हैं क्या मैम? ये चैनल सेम होते हैं, कौन से चैनल बेटा, ये एफ्रेंट एंड इफ्रेंट, इन दो चैनल्स की पूछ रहे हैं आप शायद, है ना? हाँ देखें, एफ्रेंट और इफ्रेंट नाम से ही पता चल रहा है, एफ्रेंट में हमेशा अशुद्ध रक्त बहता है, ठीक है, मतलब डीऑक्सीजनेटेड ब्लड बहता है, जबकि इफ्रेंट में आपका कैसा बहता है, शुद्ध रक्त। तो ये सेम तो कैसे भी नहीं हो सकते, ठीक है बेटा? चैनल्स का काम क्या होता है, आप वाहिकाएं समझते हैं, वेसल्स, वेसल्स को ही यहाँ पे चैनल का नाम दिया गया है, ठीक है? अगर आप चाहे तो क्या लिखेंगे, इसमें तीन अनुदैर्ध्य वाहिकाएं पाई जाती हैं, मतलब वेसल्स, तो वेसल्स का मतलब समझते हैं ना, एक नली नुमा संरचना होती है, सिमिलरली यहाँ पे चैनल्स का नाम दिया गया है, नथिंग इज चेंज भाई, ये तो सभी को पता है, एक शब्द के कई सारे शब्द देखने को मिलते हैं, ठीक है? तो यहाँ पर चैनल्स जो है वो बिल्कुल रिफर नहीं है, बिल्कुल आप वेसल्स से ले सकते हैं, क्लियर? तो सेकंड ईयर, होप सो आप लोगों को ये क्लियर हुआ होगा, सभी को, सभी का मतलब सभी। मैम विसरण, मार्जिनल और गिल प्लेट, अच्छा
दोनों से होता है क्या? अच्छा, ये बोलना चाह रहे हैं कि इसमें जो क्या पूछना चाह रहे हैं, बताएं जरा, इसमें विसरण और उससे गिल प्लेट दोनों से वो होता है सर्कुलेशन। तो सुने आप, यहाँ पर जो हम बात कर रहे हैं वो ऑक्सीजन की अगर हम बात करें तो विसरण तो विधि है। ऑक्सीजन अंदर कैसे जाएगी, कार्बन डाइऑक्साइड बाहर कैसे निकलेगी, जल में, जल में पानी जो है उसमें क्या है आपका, एक में क्या है? पानी जो है उसमें ऑक्सीजन लेवल ज्यादा है, और आपकी जो बॉडी है मतलब पहले मोन की जो बॉडी है उसमें कम है। तो किस विधि से यहाँ की ऑक्सीजन यहाँ ट्रांसफर होगी? हो तो भाई जो आपका गिल है उसमें तो भाई मार्जिनल से तो होगी, ये तो आपने वो बताया, ऑर्गन बताया है, ये जो पूरा गिल है इसमें से वो स्थान बताया है जहां से ऑक्सीजन ट्रांसफर होगी जल में से यहाँ पर। मगर विधि कौन सी होगी? विधि जो नाम है ना, विधि है विसरण विधि। विसरण समझते हैं ना आप लोग, जैसे आप लोग पानी में चीनी का घुल जाना बताते हैं ना, कि विसरण विधि में क्या होता है, आप एक उसमें एक बाउल लीजिए, बाउल में एक चम्मच नमक डाल दीजिए तो वो अपने सब तरफ विसरण होने लगता है, डिफ्यूजन होने लगता है, फैलाव होता है, ज्यादा से कम की ओर चलता है जो, ठीक है, कंसेंट्रेशन जो है वो उस पर डिपेंड करती है विधि। समझ में आ रही है बच्चों? सौरभ, सब चीज क्लियर? गुड। किसी को कोई परेशानी है तो पूछे आप। ओके मैम, गुड। चले फिर देखे क्लास, अब बात कर लेते हैं हम इसमें क्या बात है। पहले सब लोग भागे जा रहे हैं, धीरे धीरे, गुड, संतोषी गई। देखे क्लास, अब हम बात कर लेते हैं इसमें किसके बारे में। कल हमने प्रॉन के कुछ श्वसनांगों के बारे में बात की थी, ठीक है? इसमें से जो श्वसनांग हैं वो कौन कौन से होते हैं? वन इज गिल, एपिपोडाइट, गिल कवर या फिर ब्रैंकियोस्टेगाइट, ठीक है? अब यहाँ पर जब हम बात करते हैं इनमें उपस्थित श्वसनांग जो हैं, तो इसमें गिल्स के बारे में हमने आज स्टडी कर लिया है, ठीक है? किसके बारे में स्टडी कर लिया है? गिल्स के बारे में। एपिपोडाइट और गिल कवर रह जाते हैं, ठीक है? इसके बारे में हम कल बात करते हैं, ठीक है क्लास? तो आज की मीटिंग में जितना ही, मैं एग्जाम में कैसे पूछता है ये चैप्टर में से? अच्छा, तो एग्जाम में डायरेक्ट आएगा कि ब्लड सर्कुलेशन इन पैलेमोन बताएं, बस खत्म, ठीक है? जितना है आपका इसमें पता चल जाएगा, आप में जो है या तो ये आएगा इस तरह से ब्लड सर्कुलेशन, या फिर रेस्पिरेशन के नाम से आएगा। टॉपिक क्या चल रहा है यहाँ पे? रेस्पिरेशन, श्वसन। तो पैलेमोन में श्वसन की प्रक्रिया का वर्णन करें तो आपको सब कुछ में बताना पड़ेगा कि उसमें कौन कौन श्वसनांग होते हैं, उसमें गिल जो है उसमें किस तरह से ब्लड सर्कुलेशन सब कुछ होता है, ठीक है? क्योंकि भाई हमें ऑक्सीजन जो है श्वसन में, जो ऑक्सीजन जो है वो परिवहन किसके द्वारा होता है? ब्लड के द्वारा ही तो होगा, तो ब्लड सर्कुलेशन तो आपको बताना ही पड़ेगा उसमें, ठीक है? और स्ट्रक्चर भी बनाने क्या? बिल्कुल, जूलॉजी के स्टूडेंट्स का विदाउट स्ट्रक्चर कोई भी मतलब नहीं बनता है। आप भले ही कितनी भी थ्योरी लिख कर आए लेकिन अगर उसमें एक भी डायग्राम नहीं है, इट मीन्स आपने कुछ नहीं लिखा उसमें, ठीक है? क्योंकि कोई भी चेक करने वाला थ्योरी पढ़ने नहीं बैठेगा, उसका ध्यान अट्रैक्ट जो करते हैं ना वो डायग्राम्स होते हैं, ठीक है? तो आपको मैक्सिमम से मैक्सिमम आपको डायग्राम्स यहाँ पे याद करने पड़ेंगे। मैम हमारे पास अब तक एक हिंदी मीडियम है ना बेटा, आ जानी चाहिए। चलो कोई बात नहीं, एक बार फिर बोल देंगे हम आपके लिए, ठीक है? लेकिन बाकी आप लोग बुक PDF के लिए बोल देंगे।